से आपने स्टार्ट किया था एक्टिंग करना, जब से सोचा था, और आज के दिन पर जो ये पूरी आपकी जर्नी रही है, एक फिल्मी सफर जिसे अगर बोलें, तो इस पूरे प्रोसेस को आप कैसे देखते हैं कि मतलब जितने अप्स एंड डाउन्स रहे हैं, उसे क्या क्या लर्निंग्स रही हैं, तो इसको किस तरह से देखते हैं, फुल पॉजिटिव और नेगेटिव और मिक्स बोथ? नेगेटिव तो कुछ है ही नहीं, जीरो नेगेटिव। हर चीज पॉजिटिव है मेरी लाइफ में, हर चीज जो भी हुआ है मेरे साथ सब पॉजिटिव है। अगर खाना खाने के पैसे नहीं थे वो भी पॉजिटिव है, क्योंकि उससे सीखा है ना, उससे वो है ना, एक किशोर कुमार का गाना, आग में जल कर भी जो निखरे है वही सच्चा सोना, है ना। आग में जल के भी जो निकले वही है सच्चा सोना। तो जो भी मुसीबत आती है, तकलीफ होती है, भगवान जो भी देते हैं वो सोच समझ के देते हैं, और भगवान को भी ये पता है कि बॉस इसको दे रहे हैं तो भगवान ने सहने की ताकत भी दी है साथ में। तो हर मुसीबत से सीखता हूँ मैं, हर प्रॉब्लम से सीखता हूँ, और सीख सीख के आगे बढ़ता हूँ। तो जितना कुछ भी हुआ है मेरे साथ सब बहुत पॉजिटिव है, और भगवान ने मेरे साथ जो भी किया है, मुझे ऐसा लगता है कि अगर कभी भगवान ने मुझे इस लायक बनाया कि लोगों को लगे कि मेरे ऊपर बायोपिक बननी चाहिए, तो वो बायोपिक जरूर ब्लॉकबस्टर होगी। इतना उतार चढ़ाव रहा है, और यही चाहिए, एक ब्लॉकबस्टर फिल्म का हीरो हूँ मैं, और क्या चाहिए। जी, जैसा कि मैं देख सकती हूँ कि आप लाइफ से बहुत सीखते हैं। जैसे आपने बहुत बड़े बड़े एक्टर्स के साथ काम किया है, स्क्रीन शेयर की है, तो उनके जो यूनिक लर्निंग रही है, उसके साथ जो उनकी यूएसबी रही हो कि आपने इनसे सीखा हो कि इस पर्टिकुलर एक्टर के अंदर ये बहुत यूनिक क्वालिटी है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि मैं इस बात से बहुत खुश हूं कि शाहरुख खान साहब के अलावा जितने भी बड़े रियल सुपरस्टार्स हैं हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में, लगभग सबके साथ मैंने काम किया है। अमिताभ बच्चन जी के साथ काम किया है, सलमान खान साहब के साथ काम किया है, आमिर खान साहब के साथ काम किया है, अजय देवगन साहब के साथ काम किया है, अक्षय कुमार साहब के साथ काम किया है, बमन ईरानी जी के साथ काम किया है, बड़े बड़े एक्टर्स के साथ। और इन सब से मैंने कुछ ना कुछ सीखा है। जैसे कि अमिताभ बच्चन साहब से मैंने ये सीखा कि कैसे सामने वाले एक्टर को कंफर्टेबल करना चाहिए, क्योंकि कई बार क्या होता है कि अमिताभ बच्चन इतने ऊंचे स्टेचर के एक्टर हैं, इतने बड़े एक्टर हैं, कि उनके सामने कोई भी एक्टर जाके नर्वस हो जाएगा। तो जी जब तक वो नर्वस हो उसके पहले ही वो कुछ ऐसा कर देते हैं कि जो सामने वाला एक्टर है वो नर्वस नहीं होता है और कंफर्टेबल फील करने लगता है। तो ये जो उनकी क्वालिटी है, ये मैंने अमित जी से सीखा। और अपना आमिर खान साहब के साथ मैंने ये सीखा कि वो कितना ज़्यादा कैरेक्टर में घुसते हैं, कितना ज़्यादा कैरेक्टर में रहते हैं, कितना डेडिकेटेड हैं, लगातार कैरेक्टर के बारे में ही सोचते रहते हैं, और ज़रा सा भी उनका डिस्ट्रैक्शन जो है वो होने नहीं देते अपने माइंड का, और बहुत फोकस्ड रहते हैं। तो आमिर खान साहब के साथ मैंने ये सीखा। अजय देवगन साहब के साथ मैंने ये सीखा कि कितना आ, आ, कूल रहना चाहिए शूटिंग के दौरान, और एटीट्यूड जो है वो कितना इंडियरिंग होना चाहिए पूरे सेट के लिए, पूरे सेट को एक हल्के फुल्के माहौल में रखना, मजाक मजाक मस्ती करना, अच्छी अच्छी बातें करना, ये मैंने अजय देवगन साहब के से सीखा। सलमान खान साहब के साथ ये सीखा कि कैसे उन्होंने अपने एक स्टार्डम को कैसे उन्होंने मेंटेन किया हुआ है, अपने स्टार्डम को कैसे मेंटेन करना चाहिए, और इस तरह से अपने चाहने वालों के साथ पेश आना चाहिए, और किस तरह से अपने काम को बहुत ही सलीके से, बहुत सोच समझ के अच्छे से करना चाहिए, सलमान साहब के साथ मैंने काम करके ये सीखा। तो सबसे बमन ईरानी जी से मैंने ये सीखा कि आपको कितना सिंपल रहना चाहिए लाइफ में, आपको कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए, अहंकार नहीं करना चाहिए, स्पॉट बॉय है उससे भी प्यार से बात करो, कैमरामैन है, असिस्टेंट कैमरामैन है, फोकस पुलर है, कोई भी हो, लाइट मैन है, कैसा भी, कोई लोग भी हो, सबके साथ प्यार मोहब्बत से बात करो, सबकी रिस्पेक्ट करो, और अपने आप को स्टार मत समझो, बड़ा जमीन से जुड़े रहो, नॉर्मल रहो, सिंपल रहो। और हाँ, जैकी श्रॉफ सर साहब से मैंने ये सेम चीज जो मैंने बमन ईरानी से सीखी है,
वो जैकी श्रॉफ साहब से भी सीखी। जैकी श्रॉफ मुझे लगता है कि हमारी फिल्म इंडस्ट्री के सबसे बड़े रत्न हैं, सबसे बड़े नगीने हैं। वो इतने ग्रेट हैं वो, और इतने सिंपल रहते हैं, इतना ज़्यादा हम्बल इंसान मैंने लाइफ में कभी भी नहीं देखा जितने जैकी श्रॉफ साहब हैं। तो मैंने उनसे ये सीखा कि कितना हम्बल रहना चाहिए, ह्यूमिलिटी कितनी इम्पॉर्टेंट है लाइफ में। जैसे ही कामयाबी आपके दिमाग में घुसती है, उसके बाद आपकी ज़िंदगी जो है उसकी बैंड बजनी शुरू हो जाती है। तो अगर आप अपनी ज़िंदगी को खूबसूरत बनाए रखना चाहते हो, तो एक चीज़ है सफलता के बाद जिस चीज़ से हमेशा दूर रहना चाहिए, और वो चीज़ है अहंकार। कभी भी अहंकार मत करना। जो दिया है वो माँ बाप के आशीर्वाद से मिला है, लोगों की दुआओं से मिला है, और ईश्वर की कृपा से मिला है। जी सर, आपने ये जो तीन शब्द बोलते हैं ना आप अपने शो में, आई लाइक इट, आपकी ये बात भी बिल्कुल आई लाइक इट।